तो कर्नाटक का सियासी नाटक, और अब आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको वो बड़ा आंकड़ा दिखाने जा रहा है जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर कर्नाटक में येदुरप्पा की सरकार बनेगी कैसे। ये देखिए, विधानसभा जिसकी कुल स्ट्रेंथ फिलहाल 222 है, एक तरफ बीजेपी का खेमा जो दावा यह कर रहा है कि देखिए हमारे अपने 104 विधायक, इसके अलावा एक निर्दलीय, एक केपीजेपी और एक बीएसपी का विधायक, ये तीन हमारे साथ हैं, तो कुल आंकड़ा हमारा 107 पर पहुंच रहा है। और 107 के बूते पर सरकार बनाने का ये दावा कैसे कर रहे हैं ये समझिए। विधानसभा की स्ट्रेंथ जो अभी 222 है, उसमें से कांग्रेस के साथ लिंगायत विधायक जो बीजेपी अपने साथ होने का दावा कर रही है, इसके अलावा एक जो सदन में स्पीकर चुना जाएगा, और कुमारस्वामी जो दो सीटों से जीते हैं उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी, मतलब माइनस एक आप कुमारस्वामी की सीट को भी कर दीजिए। ऐसे में 222 में से लिंगायत विधायक कांग्रेस के साथ माइनस कीजिए, एक स्पीकर माइनस कीजिए और कुमारस्वामी की भी एक सीट माइनस कीजिए क्योंकि उन्होंने दो सीटों पर जीत दर्ज की है, एक सीट उन्हें छोड़नी ही होगी। तो इससे सदन की संख्या जो है वो 9 घटकर 213 पर आ जाती है, और 213 जब सदन की स्ट्रेंथ होगी तो बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा 107 है जो बीजेपी के पास है। तो ऐसे बनेगी येदुरप्पा की सरकार। ये बड़ा आंकड़ा जो एबीपी न्यूज ने आपको बताया कि 107 के बूते पर येदुरप्पा किस तरीके से कर्नाटक में सरकार बनाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि 222 की जो विधानसभा की स्ट्रेंथ है वो जब कम होकर 213 पर आएगी तो 107 वो जादुई आंकड़ा बहुमत का जो इस वक्त येदुरप्पा अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। इस बीच आपको बताया बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस के बगावती तेवर वाले विधायकों पर नजरें भी गढ़ा ली हैं। कुल मिलाकर उठापटक कर्नाटक की सियासत में जो लगातार तेज होती जा रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।